आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, आप अपने वीडियो की मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर को एक अपॉर्चुनिटी कंपनी देने जा रही है। जो भी लोग अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट बनाते हैं इनट्यूब वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। इनट्यूब में अपलोड करने के बाद में जो भी एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम है कंपनी का, वो कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम इनट्यूब के ऊपर प्लेस करेगी। वहाँ पे वो एडवर्टाइज चलेगा और उससे जनरेट होने वाले बेनिफिट्स के ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर है, जो जिनका भी चैनल होगा, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसी वीडियो में अपने प्रोडक्ट्स की लिंक की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, जहाँ से लोग एडवर्टाइज देखने के साथ साथ उस प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकें। तो इस तरह की सुविधाएँ इनट्यूब के माध्यम से कंपनी आपको देने जा रही है। ई पैनलिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि ई पैनलिस्ट अगर इस एडवर्टाइज को बुक करता है तो उसके ऊपर ई पैनलिस्ट को भी कमीशन मिलेगा। रिसेलर का बेनिफिट्स ये है कि उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग कम कॉस्ट में होगी, उसके यहाँ तक कि ब्रांडिंग के साथ साथ में उनके प्रमोशन भी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सिन ग्रुप जब शुरू हुई थी 2014 में हमारी फाउंडेशन शुरुआत हुई, जिसमें काफ़ी बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे आप सभी का योगदान रहा है। हमारा एक जो मकसद है वो है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। जितनी भी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है मार्केट में, एक मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितने भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उन सभी प्रोसेस को ऑक्सिन ग्रुप सभी ई पैनलिस्ट के साथ मिल करके कंज्यूमर तक लेकर जाना चाहिए। जब हम लोगों ने इस फाउंडेशन की शुरुआत करी थी तो काफ़ी लिमिटेड प्रोडक्ट थे। आज कंपनी जो भी चीज़ें लॉन्च करने जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान रहा है तो वो ई पैनलिस्ट का रहा है, वो आप सभी का रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चैंपियन प्रोग्राम। चैंपियन प्रोग्राम में तीन डेजिग्नेशन है। एक सबसे पहला डेजिग्नेशन है जोनल हेड का, दूसरा डेजिग्नेशन है टेरिटरी हेड का, तीसरा डेजिग्नेशन है डिजिटल मैनेजर का। कंपनी चैंपियन प्रोग्राम क्यों लेकर आई, सबसे पहले उसके बारे में। कंपनी आज इस तरह से हमारा पैनल साइज काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है, तो जो डिजिटल क्रांति का जो मकसद है उस सब्जेक्ट के ऊपर मार्केट में जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर है डिजिटल लेवल पे। कंपनी ये चाहती है कि बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाते हुए, लोगों को साथ आगे लेकर चलते हुए, जिस तरह से हमारा पैनल साइज आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह से ट्रेनिंग सिस्टम को भी, ट्रेनिंग व्यवस्था को भी काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइज वे में हमें टीम बनानी होगी। तो कंपनी ये चाहती है कि ये सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो चैंपियंस प्रोग्राम में जो विन करने वाले, जो अचीव करने वाले लोग हैं उनको दिया जाए। जो डेजिग्नेटेड लोग होंगे उनको अलग अलग बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, उनको कंपनी के आईडी कार्ड दिए जाएंगे, कंपनी के सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे, कंपनी के तरफ से कई सारी व्यवस्थाएँ उनके लिए बनाई जा रही है, जो डिस्क्रिप्शन आपने ऑलरेडी कंपनी के वेबसाइट पर जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ें ये हैं कि सबसे पहला नॉमिनेशन जो है जोनल हेड का होगा। कंपनी से अप्रूवल मिलने के बाद में वो 10 टेरिटरी हेड को नॉमिनेट कर सकते हैं। मिनिमम 10 टेरिटरी हेड रखा गया है, आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। जोनल हेड जब टेरिटरी हेड को नॉमिनेट करेंगे, उनका अकाउंट, उनका यूज़र आई डी वगैरह डाल करके जब सबमिट करेंगे, तो वो टेरिटरी हेड अपने अकाउंट से सबमिट करते हैं। अब टेरिटरी हेड के नॉमिनेशन के बाद में आ जाता है डिजिटल मैनेजर का। जब टेरिटरी, जिस तरह से जोनल हेड का नॉमिनेशन हुआ, जिस तरह से टेरिटरी का नॉमिनेशन हुआ, उसी तरह से डिजिटल मैनेजर का भी नॉमिनेशन होगा। जोनल हेड है, जो टेरिटरी हेड है, उनके लिए थाईलैंड ट्रिप कंपनी ने प्रोग्राम किया हुआ, और जो डिजिटल मैनेजर है उनके लिए गोवा ट्रिप है। गोवा ट्रिप में डिजिटल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, जोनल हेड, ये सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज कंपनी आपसे नहीं करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल स्पॉन्सर आपको ये प्रोग्राम जो अचीव करके आए। उसके बाद में जो गोवा प्रोग्राम में आना चाहते हैं, उस प्रोग्राम के लिए कंपनी ने एक चार्ज बनाया हुआ है, उस चार्ज को पे करके वो गोवा प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं।